हेलो गाइस, तो भाई फाइनल आ गया अपने नई मूवी के सॉन्ग के ऊपर रिएक्शन करने, जो कि गाइस खूब मजा आने वाला है और हमारे फेवरेट सिंगर की है। आज जानते हैं मूवी का नाम क्या है और टाइटल ट्रैक क्या है। तो गाइस जिस सॉन्ग पे रिएक्शन करने वाले, उसका नाम है जन्म तेरी कसम और ये का भी गाइस टाइटल टीजर आया है और ये है यहां पे आपको हिमेश रेशमिया का मेलोडी सॉन्ग की थोड़े बहुत कुछ झलक देखने को मिलेंगे। तो चलिए फिर रिएक्शन शुरू करते हैं। A story of sad love, sad love. Janam teri kasam, Janam teri kasam, Janam teri kasam. अभी तक हीरो हीरोइन का फेस रिवील नहीं किया ना। 25 दशहरा भाई बहुत लेट है, एक साल डेढ़ साल बाद आने वाली है ये मूवी। अभी से इन्होंने मूवी बहुत गजब होने वाली है, मूवी बहुत सैड होने वाली है, ऐसा लव स्टोरी बेस्ड लग रहा है तो गाइस बहुत मुझे इंटरकास्ट स्टोरी ही टाइप लग रहा है बहुत। लेकिन गाइस जिस तरीके से हिमेश ने यहां पे एक मेलोडियस टच दिया है, मतलब एक तरीके से जो हिमेश का जो गाना था ना पहले, आपने पहले हिमेश के गाने सुने जैसे नाम है तेरा तेरा गाना है था और दिल की सुर्ख दीवारों में तेरा तेरा सुर। सॉन्ग इन्होंने जो नाम के साथ रिवील किया ना, मतलब जो ट्यूनिंग था वो ऑसम था, नो डाउट। बहुत ही ज्यादा मजा आया, मतलब विजुअल्स बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव थे, आप एक जगह से खो जाओगे उसमें। और मतलब आपको पता है हिमेश के तो जो म्यूजिक्स होते हैं, जो उनके लिरिक्स होते हैं, वो बहुत ही एपिक होते हैं, बहुत ही क्लासिक होते हैं। और मैं तो वैसे भी बचपन में हिमेश का फैन था ही, तो गाइस मेरे लिए तो फेवरेट ये भाई थी। बहुत दिनों बाद हिमेश हमें देखने को मिली, हालांकि जब तक मूवी में एक्टिंग कर रहे थे तब तक ओके ओके थे, लेकिन जब गाने आते तो बहुत ही प्रीमियम हो जाते हैं गाने। एनीवेज गाइस, आपको हमारा रिएक्शन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस।